हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 3 के बाशिंदे नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वार्ड के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर पिछले 10 सालों से गंदे पानी की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। बता दें कि प्रताप नगर के बीचों बीच रास्ते पर बारिश के पानी की समस्या झेल रहे बाशिंदे नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन से भी गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन समस्या जैसे की तैसी ही बनी हुई है। रास्ते की समस्या के चलते कई लोग अपनी बाजू तुड़वा चुके हैं तो कई जख्मी भी हो गए हैं। शायद प्रशासन अब किसी बड़ी घटना के इंतजार में है, जिसके कारण लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 3 के बाशिंदे नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वार्ड के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर पिछले 10 सालों से गंदे पानी की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि प्रताप नगर के बीचों बीच रास्ते पर बारिश के पानी की समस्या झेल रहे बाशिंदे नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन से भी गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन समस्या जैसी की तैसी ही बनी हुई है। रास्ते की समस्या के चलते कई लोग अपनी बाजू तुड़वा चुके हैं तो कई जख्मी भी हो गए हैं। शायद प्रशासन अब किसी बड़ी घटना के इंतजार में है, जिस कारण लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। हालत ऐसी बनी हुई है कि बाढ़ के बीचों बीच जाने वाले रास्ते पर एक जगह पर 50 मीटर लंबी सड़क तक पानी जमा होता है और निकासी नहीं होने के कारण पानी महीनों तक जमा रहता है। वहीं जरा सी बारिश होने पर भी 2 से 2.5 फीट तक गंदा पानी जमा होने से पैदल आवाजाही तो मुश्किलों भरी रहती है। वहीं दोपहिया वाहन चालक तो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो बड़े वाहनों के लिए भी जोखिम भरा रास्ता बन जाता है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों लोग वार्ड नंबर 3 प्रताप गली बल कनाल अणुकला और मोही के लिए गुजरते हैं, लेकिन समस्या को लेकर नगर परिषद को दर्जनों बार भी बताने पर अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्णी की नींद सोए हुए हैं। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि पिछले 10 सालों से इस जगह पर गंदे पानी की समस्या बरकरार है, लेकिन नगर परिषद ने समस्या को दूर करने की जहमत नहीं उठाई है, जिस कारण आए दिन लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी तो बरसात शुरू हुई है, लेकिन बरसात के दिनों में तो छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी समस्या बन जाएगी। विपिन सिंह ने बताया कि पानी की निकासी ना होने से दिक्कत बनी हुई है और दोपहिया वाहन गुजारते समय भी गिरने का खतरा बना रहता है। वहीं अबनी ने बताया कि रोज इसी रास्ते से आवाजाही करती है, लेकिन बीच रास्ते पर गंदा पानी जमा रहने से भारी परेशानी होती है। तो यहाँ से क्रॉस करना चाहे ट्रेवल करना बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे, तो स्कूटी से भी मतलब सारे भीग जाते हैं और हमेशा बारिश हो चाहे नहीं हमेशा ऐसे स्टैंड बाय होता है। आप कुछ मांग करते हैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से? हाँ सर, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए, क्योंकि बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है। हम तो फिर भी नीचे से घूम फिर के आ जाते हैं, पर वो बहुत सफर करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? अवनी। थैंक यू। हेलो, थैंक यू। डेली यहीं से अप डाउन करते हैं आप? हाँ जी। क्या यहाँ की दिक्कत पेश आती है? दिक्कत आने जाने में। एडवोकेट रोहित ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में गंदा पानी जमा होने की समस्या कई सालों से बनी है और सभी को भारी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जल्द इस समस्या को नगर परिषद को दूर किया जाना चाहिए। मेरे कोर्ट के जाने का डेली का यही रास्ता है, यहीं से आता हूँ यहीं से जाता हूँ। ये जनरली यहाँ पे शायद ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से पानी का कोई प्रॉपर आउटलेट नहीं है, और जैसे जरा सी बरसात होती है जरा सी बारिश होती है एकदम से पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से समटाइम्स कई बार पैदल गाड़ी के साथ चलना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, पैदल तो लोग जा ही नहीं सकते। तो इस करके बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, बुज़ुर्ग भी यहाँ से गुजरते हैं। काफ़ी हाईली पॉपुलेटेड एरिया है और गाड़ियाँ वगैरह भी काफ़ी यहाँ आमदोरफ्त रहती है, तो उस वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और इस पानी का कहीं ना कहीं आउटलेट निकाल करके इसकी डाइवर्शन होनी चाहिए, जिस वजह से क्योंकि कोई भी एपिडेमिक हो सकता है, कोई बीमारी फैल सकती है, कोई भी किसी तरह का भी कोई नुकसान किसी को हो सकता है। और वैसे भी ये रास्ता रिसेंटली कोई मतलब 2-2.5 साल पहले रिपेयर हुआ है, टाइलिंग हुई है, तो वो भी शायद ख़राब हो जाएगा इस वजह से। थैंक यू। बुजुर्ग प्रेम कुमार गुप्ता ने बताया कि बीच रास्ते में गंदा पानी का तालाब बने रहने से समस्या पेश आती है और कुछ दिन पहले ही पत्नी के गिरने से बाजू टूट गई थी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द रास्ते की समस्या का हल होना चाहिए। कुमार गुप्ता, अब बताएंगे क्या क्या मुश्किलें हो रही हैं यहाँ पे जी? हमें चलने के लिए बुजुर्ग मुश्किल है, पानी खड़ा हो जाए, ऐसे नंगे पाँव चल रहे हैं और बुरा हाल है। मेरी मिसी के बाँह फ्रैक्चर हो गया चलने चलने से, तो और क्या है, बुजुर्ग आदमी को बुरा हाल है।
तो आखिर क्यों नहीं कमेटी क्यों नहीं करवा रही है काम? क्या कमेटी वाले हमारे बस से बाहर हमने करवाएंगे। तो अब क्या कहाँ फरियाद कर रहे हैं? हमने डीसी ऑफिस में गए, वहाँ जाकर उन्होंने सारा जायब सेंक्शन किया। हमने तो पिछले साल भी जो अपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके साथ भी टेकअप किया था, एमएलए साहब के थ्रू भी किया था। फिर वही है कि बार बार मुख्यमंत्री की जो ई समाधान की जो साइट है उस पर भी मैंने कंप्लेंट्स लिखी। फिर एक दिन एसडीओ साहब आए और मुझे पूछने लगे कि आप बताओ इसका क्या हल है। मैंने कहा जी टेक्निकल इंजीनियर आप हैं, आप बताओ कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बारिश का ही पानी है, किसी के घर का पानी नहीं है। बारिश जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है, क्योंकि पानी लगभग एक किलोमीटर के डिस्टेंस से आ रहा है और यहाँ आके क्योंकि ये थोड़ी सी ढलान मतलब गहरा है तो यहाँ आके पूरे का पूरा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और कोई भी समाधान उन्होंने उसके बाद नहीं निकाला। एक ही दिन आए थे, उसके बाद ना तो आज तक कोई आया ना तो कभी ये आया। हम लगातार डीसी साहब के पास भी जाके मिल के आए हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं करता हूँ। अभी हमने एप्लीकेशन लिखी है, दोबारा एक्सचेंज साहब के पास जाएंगे, दोबारा अपने एमएलए साहब के लिए भी लिखी है, अपने जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके लिए भी लिखी है। देखते हैं क्या होता है।